अरे कृष्णा, मैं भगवान को नहीं मानता। कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो हमें ये बात सुनने को मिलती है कि मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन क्या हमारे मानने ना मानने से भगवान पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या हमारे ना मानने से भगवान का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। अगर भगवान है तो है, नहीं है तो नहीं। हमारे मानने ना मानने से भगवान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सरकार को नहीं मानता या मैं जो प्रधानमंत्री है उसको नहीं मानता, तो क्या मेरे मानने न मानने से प्रधानमंत्री एग्जिस्ट नहीं करेगा? वो तो एग्जिस्ट करता है। कोई बोले मैं नहीं मानता तो उसकी प्रॉब्लम। तो मेरे कहने से कि मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान का अस्तित्व तो नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह कोई कहे कि जैसे गांधी जी थे, मैं गांधी जी को नहीं मानता, मैंने नहीं देखा था उनको, तो क्या मेरे कहने से गांधी जी एग्जिस्ट ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो एग्जिस्ट करते हैं। ये कहना कि मैं नहीं मानता तो उससे भगवान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एग्जिस्ट करते हैं। हम देखते हैं अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भगवान का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। आसपास सारे सीजन्स जो हैं अपने आप चेंज हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा। शीत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षात ऋतु आती है, तो अपने आप चेंज हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है इनको? तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर हम बोले नहीं अपने आप हो रहा है सब कुछ, तो अपने आप कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अगर न्यूटन ने सोचा होता जब उनके सर के ऊपर जो सेब गिरा, तो अगर उसने सोचा होता कि ये बाई चांस गिर गया, तो क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत है उसको हमें पता पड़ता? जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है हमारे पास, वो आता? नहीं आता। तो उन्होंने सोचा इसका कोई ना कुछ कारण है, तभी वो सिद्धांत आज हम अपने जीवन में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि भगवान है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं मानता भगवान है या नहीं है, भगवान नहीं है, तो भगवान उसके कहने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारे इन चीज़ों से भगवान के अस्तित्व के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान एग्जिस्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो उनकी सत्ता को हमें, एक जैसे हम गवर्नमेंट को स्वीकार करते हैं, सरकार को स्वीकार करते हैं और उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन करते हैं, तो इसीलिए एक सुप्रीम गवर्नमेंट है। जो सरकार है वो जो नियम बनाती है, कहाँ के लिए नियम बनाती है? इस छोटे से भारत देश के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, और उन सरकार के जो नियम कानून हैं उस भारत देश के अंदर, संविधान के अंदर, उनको हम पालन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ऊपर जो सुप्रीम गवर्नमेंट के नियम हैं, वो क्या नियम है? प्रकृति के नियम है कि हर सीज़न अपने आप से चेंज हो रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगाए जा रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप तो नहीं हो रही, कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति भगवान जो है इनको देख रहे हैं। जो नियम बनाए गए हैं किसके द्वारा? सुप्रीम गवर्नमेंट के द्वारा, जो भगवान के द्वारा, भगवान के अध्यक्षता में जो प्रकृति है वो कार्य कर रही है, और प्रकृति के द्वारा ये सारे संसार के नियम बनाए हुए हैं, ये हमने तो नहीं बनाए। तो उन नियमों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, और अगर हम नियम को ब्रेक करते हैं तो क्या है, प्रकृति रिएक्ट करती है। जिस प्रकार हम इस भारत देश में या किसी देश के नियमों का, संविधान के अनुसार नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें रिएक्शन मिलेगा उसका। जो सरकार है उसके अंदर रिएक्शन मिलेगा हमको, क्या हमें सजा मिलेगी, जेल में डाला जा सकता है, जुर्माना लग सकता है। तो जिस प्रकार का हमने ऑफेंस किया है, गलती की है, उसके हिसाब से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये सुप्रीम गवर्नमेंट के नियम हैं। जब हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते, तो उसका भी हमें रिएक्शन लगता है। जैसे कई बार हम प्रकृति के संसाधन हैं उनका क्या शोषण कर रहे हैं या उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कभी कभी ज़मीन ज़्यादा खोद दी,
या कुछ ऐसा पहाड़। तो जब प्रकृति के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, उनके सोर्सों के रिसोर्सेज का हम मिसयूज़ करते हैं, ओवरयूज़ करते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं, ऊपर से प्रकृति रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है, हम देखते हैं भूकंप आ गया है ना, सुनामी आ गया, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, तो ये प्रकृति का रिएक्शन है। जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, प्रकृति के नियम है ठीक है, जो आपकी आवश्यकता है उन उतना आप यूज़ करो, लेकिन एक्सेसिवली जब हम यूज़ करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पेड़ पौधों को क्या है, काटा जा रहा है, लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, पानी बह रहा है, पानी का वो रुकाव नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियम का पालन नहीं कर रहे। सो एक सरकार के नियम है, उससे ऊपर भी क्या है, जो सुप्रीम गवर्नमेंट है, जो भगवान की सरकार है, प्रकृति के द्वारा चलाई जा रही है, उसके अलग नियम है। तो जिस तरह हम सरकार के नियम का पालन करते हैं, तो उससे पता पड़ता है कि सरकार है, कोई व्यक्ति कहे मैं नहीं मानता तो पागल है, सरकार को नहीं माना। इसी तरह एक सुप्रीम गवर्नमेंट है, उसके द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिनका हमें पालन करना है, और नहीं करेंगे तो उसका हमें रिएक्शन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक सुप्रीम गवर्नमेंट भी है, उसके नियम का हमें पालन करना है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो कोई ये व्यक्ति कहता है कि भगवान को नहीं मानता, तो उसमें कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं उस बात में, क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे नियम बने हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।